हेलो गाइस, दिस इज विमल, यू वाचिंग मी एंड माय YouTube चैनल राइट नाउ। आज हम लोग घर से निकल के आ गए हैं राजमहल से थोड़ी दूर काश मंदिर के सामने इंदौर के सबसे बड़े सैंडविच की दुकान पे। जहाँ गाइस आगे तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज आपको इस अंदर ये बेनिफिट मिलने वाला है। जहाँ एक फ्रेंड पैसा रखता है उसके ऊपर तीन मंजिल देते हैं, तो यह उस लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली होती है। सैंडविच बहुत बड़ा देता है, हमने आगे आपको दिखाता है इसको, आप इंजॉय करो। आगे तक इसको देखो, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ गाइस, तो यही है वो दुकान, आप देख सकते हो। ये जो ब्रेड ऑन आपको दिख रही है सैंडविच की, ये सारी उन्हीं की है, कोई तीन चार दुकान मिक्स नहीं है इसमें। तो पूरा साम्राज्य जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, सारा साम्राज्य उन्हीं का है। उन्होंने गोदाम भी ले रखा है ये ब्रेड रखने के लिए, तो आपको आगे मैं वीडियो में दिखाता हूँ। यूवी ब्लॉग से हूँ, आप जरा इंटरव्यू दे दो अपने, थोड़ा चालू कर। अरे सर, क्या इंटरव्यू, आप तो बोलिए ना सर जी, बिल्कुल आपकी दुकान है। हाँ जी, हाँ जी सर, आपका नाम फर्स्ट? मेरा नाम सर वैभव नाम है मेरा, वैभव गिरोठिया, और ये भाई आयुष गिरोठिया। आप मुझे ये बताइए, वो ज़्यादा उत्सुक हो रहा हूँ ये जानने के लिए कि दुकान इंदौर में इतनी ट्रेंड क्यों कर रही है। सर, ट्रेंड करने और कराने वाले आप लोग और हमारे जो ग्राहक है, भगवान लोग बैठे हैं, यही लोग हैं सर, प्रभु की कृपा है। उसको सर आपसे ये करना था कि मतलब आपका मार्जिन हो पाता है? हाँ हाँ सर, हो जाता है। है ना कि एक तो हम लोग जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, अब प्रभु का आशीर्वाद है, कलर भी अच्छा, सैंडविच का सारी चीज़ों से लेकर आज तक रहता है, बहुत कुछ समझते हैं। हमारे दो महीने के अंदर सैंडविच का सर बहुत बढ़ गया है सर। तो अब हम लोग क्या होता है सर, सारा प्रोडक्ट जो खरीदते हैं वो बल्क में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोगों को प्रॉफिट होता है। और दूसरी बात यह है सर कि थोड़ा मार्जिन कम हो, लेकिन ग्राहक आपका डबल है, आप या तो पैसा कमा लो या ग्राहक कमा लो सर। ग्राहक करोड़ों रुपए के सर पैसा तो कमाते रहेंगे। और एक चीज़ जो है भैया, जिनके आपने देखा होगा कई बार कि एक फ्रेंड आता है बेचारा पैसे लेकर, उसके बाद तीन से चार बेचारे मंजिल देते हैं उसके ऊपर, तो आपको ऐसा मतलब दिन भर में कितने देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे आते तो होंगे? कई बार तो ये होता है कि जो फ्रेंड्स होते हैं बोलते हैं भाई यार, तो सबको खिलाने के लाया था और दो सैंडविच में सबका काम कर दिया। अच्छा लगता है सर, क्योंकि हमारा मेन पर्पस ही है सर कि कस्टमर आए तो सेटिस्फाइड रहे। मुझे ये बताइए, जो स्टोरी बेड है सर, एक्लेस बेड है, बेड में एक बिल्कुल भी नहीं है, पूरा एक्लेस है, हम ही लुक करते हैं। अभी हमारा इससे बड़ा सही जा रहा है। बिल्डिंग पूरी आपकी है? हाँ, आपने क्या सैंडविच आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग निकालनी थी ऐसे सर? मेहनत देने वाला भगवान है सर, कहाँ से क्या होता है। नहीं, मेहनती हो आप जैसे। और आपको प्रिपेयरिंग में कितना टाइम लगता है इन सब चीज़ों की, मतलब बनाने में, मतलब करने में? होता क्या है सर, जैसे 12 बजे से हम लोग काउंटर स्टार्ट करते हैं, लेकिन 10 बजे हम दोनों भाई आ जाते हैं, और उसके एक का घंटा पहले 9 बजे से पापा और तीन वर्कर एक साथ आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अंदर मिलते की चटनी वगैरह, मसाला और छोटा मोटा जो सूखे मसाले भी कुछ पीसना होते हैं, आलू का मसाला रेडी करना, वेजिटेबल्स का कटिंग करना है, चटनी रेडी करना है, फिर स्टफिंग्स रेडी करना है, गार्लिक चटनी का पेस्ट रेडी करना है, ये सब चीज़ें हम लोग 9 से लेकर 12 तक रेडी कर लेते हैं। बात है सर, देखिए जो किया है हमने अपने लिए किया है, तो मैं एक सिंपल भी तो नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ सर, कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम आपको 10 से 15 साल देना होता है सर। बहुत मिसाइज होता है सर, एक समय होता था 20-25 सैंडविच दिन भर का, सर प्रभु का आशीर्वाद है सर, समय लगता है। बता सकते हैं आप? अच्छे ही जाते हैं सर, दिन भर प्रभु का आशा, हाथ रुकता नहीं है, पर दो ले लीजिए सर, नंबर का अच्छा काम हो जाता है। नहीं सर, बहुत अच्छा भगवान कर देता है, नंबर तो मैंने कभी गिना नहीं सर। आदित्य, कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? 3-4 years हो गए। अच्छा, तो आप मतलब क्या सजेस्ट करोगे यहाँ पे, जैसे कोई आटा फर्स्ट टाइम तो उसे सैंडविच? चीज़ चटनी सबसे बेस्ट है यहाँ का, सबसे बेस्ट। और मतलब आप कौन कौन से ट्राई कर चुके हो यहाँ पे? चीज़ चटनी कर चुका हूँ। क्या कुछ सबसे हाईएस्ट है 150 का आता है, कॉम्बो पैक सबसे बड़ा, वो अच्छा है। अच्छा, कॉम्बो वाला। हाँ। अभी आप कौन सा ट्राई कर रहे हो? चीज़ चटनी है द अल्टीमेट बेस्ट चीज़। अच्छा, ये सबसे बेस्ट है ना, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस आई गेस 80 होगी। थैंक यू।
मैं आप लोगों को जो सैंडविच सजेस्ट करूंगा यहाँ पे आके खाने का, तो वो है जंबो सैंडविच, 150 रुपीज़ का आता है। आप अकेले बिल्कुल भी मत आना, फिनिश नहीं कर पाओगे, चार जनों के साथ में ही आना। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।